कि हमारे इस क्षेत्र के कथावाचक हैं, क्योंकि इनकी वाणी अभी सुनेंगे हम आरती के पहले। इतना हंसाते हैं और इतना बढ़िया बोलते हैं कि बड़े बड़े कथावाचक कहीं नहीं लगे आपके। तो ताली बजाइए एक बार इनके लिए। हाँ, तो कहाँ थे? पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस पति ने पत्नी से कहा कि असल अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना। तो पत्नी ने भी कह दिया कि अगर तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना। एक महीना हुआ, दो महीने हुए, तीन महीने हुए, बोलचाल शुरू नहीं हुआ। वो पत्नी भोजन बना के रख देती, न वो भोजन करता, काम पे चला जाता, फिर शाम को वो भोजन बना के रख देती, भोजन करती, सो जाती। पति काम से आता, भोजन करता, वो भी सो जाता। अंत तो गतवा ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, बोलचाल शुरू नहीं हुआ। कितने महीने हुए? 6 महीने हुए साहब, बोलचाल शुरू नहीं हुआ। पति ने सोचा एक दिन के पत्नी तो मेरी है, बात करके देखता हूँ, बात नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। पत्नी के पास गया और कुछ बोलने ही वाला था कि वो बात बीच में आ गई कि पत्नी ने कहा था कि अगर तुम असल बाप के हो तो मुझसे बात मत करना। मैंने बात कर ली तो नकल बाप का हो जाऊंगा। तो पति ने भी फिर बात नहीं की, बात करने गया था पर कुछ बोला ही नहीं, ऐसे आ गया। थोड़े दिन बीते तो पत्नी ने सोचा कि चलो पति तो मेरे ही है, झगड़ा किस घर में नहीं होता, कोई बात नहीं, बात करके देखती हूँ। पत्नी गई, कुछ बोलने ही वाली थी कि वो बात बीच में आ गई। पति ने कहा था कि अगर तू असल बाप की हो तो मुझसे बात मत करना, और मैंने बात कर ली तो नकल बाप की हो जाऊंगी, तो नहीं नहीं मैं भी बात नहीं करूँ। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से बात नहीं की। 6 महीने तक बोलचाल बंद रहा। इतने महीने तक, 6। एक दिन पति काम पर नहीं गया, छुट्टी थी तो घर के बाहर बरामदे में ओटले पे बैठा था। ओटला सब समझे नहीं? हाँ, ओटले पे बैठा था। ओटले पे बैठे बैठे बीड़ी पी रहा था। कैसे पी रहा था बताऊं? ऐसे ही पीते ना भाई साहब, बीड़ी पी रहा था ऐसे बैठ के। तो और उसने कुर्ता पहन रखा था। तो सोचा कि पत्नी से ऐसे बात करूंगा तो नकल बाप का हो जाऊंगा, कोई इशारा ही कर दूं। तो बढ़िया बैठे बैठे ऐसे बीड़ी पी रहा था, आम के पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो उसने क्या किया, जुगाड़ लगाई। पत्नी घर में थी तो बीड़ी से अपने कुर्ते के कोने को जला लिया। कुर्ते का कोना नीचे लटक रहा था तो बीड़ी से वो कुर्ते का कोना थोड़ा सा जला लिया और ऐसे बताने लगा मानो उसको पता ही नहीं कि कुर्ता जल रहा है। बीड़ी पीने लगा। अब पीछे से पत्नी आई कमरे में से, घर में से बाहर, देखा कि ओहो श्रीमान जी का कुर्ता जल रहा है, थोड़ी देर में तो ये भी जल जाएंगे। वो कुछ बोलने जाती उसके पहले ही वो बात बीच में आ गई कि पति ने कहा है कि अगर तू असल बाप की हो तो बात मत करना। तो वो कुछ नहीं बोली। पति तो इधर मुंह करके बीड़ी पी रहा था और पत्नी दरवाजे के वहां इधर मुंह करके खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं, किसी का कुर्ता जले तो जले मैं क्या करूं। तो उस पति ने भी अपना कुर्ता बुझाया और कहा कि कुर्ता जला तो जला और बातचीत तो शुरू हुई। ऐसा होता है कभी कभी। यहाँ भी के कई माता कोप भवन में चली गई, पति पत्नी का झगड़ा करने का भवन जिसको कोप भवन कहते हैं। शाम का वक्त हुआ, संध्या का समय, दशरथ जी केकई माता के भवन में आए। सांझ समय सा आनंद नृप गयो केकई गेह, गवनु निठरता निकट किए
जनु धरु देह सने। शाम के वक्त संध्या के समय दशरथ जी के कई माता के भवन में आते हैं, तो मंथरा ने कह दिया कि वो तो यहाँ नहीं है, कोप भवन में है। तो कोप भवन सुनी सकुचे ही राहु, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ दशरथ जी को कि कोप भवन में कैसे जा सकती है, ऐसी क्या बात हो गई। तो कोप भवन में भागते हुए दशरथ जी आए और केकई माता गुस्से में बैठी थी, तो केकई माता के पास आकर बैठ गए और जाई निकट द्रव कह मृदु बानी। निकट द्रव कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी। ओ प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी, जाई निकट द्रव कह मृदु बानी। जाय निकट रप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी। ओ प्राण प्रिया के ही है तू रिसानी, के ही है तू रिसानी, के ही है तू रिसानी। दशरथ जी केकई माता के पास आकर के मधुर वाणी में कहने लगे, मेरे भाई बहन दशरथ जी की वृद्धावस्था तक काम वासना नहीं गई। बार बार केकई माता की तारीफ करने लगे, बार बार उनसे कहने लगे, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोही सुनाओ गज गामिनी निज कोप करी। बार बार तारीफ करने लगे, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, सुंदर आंखों वाली, पीक बचनी सुंदर बोलने वाली, अच्छा बोलने वाली, और गजगामिनी यानी हाथी की तरह चलने वाली, आप के रूठने का कारण क्या है, आप ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो, आपको क्या चाहिए, आपको किसी ने कुछ कह दिया हो तो बताओ। बार बार दशरथ जी तारीफ करने लगे कि क्या मांगना चाहती हो, मांग लो, आप जो मांगोगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप गुस्से में बैठी हो मतलब आपको कुछ ना कुछ मांगना है, तो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। केकई माता गुस्से में आकर कहने लगी, मांगो मांगो पे कहूं पी कबहु न देहु न लेहु, देन कहहु वरदान दुई तेहु पावत संदेहु। ये कई माता गुस्से में कहने लगी कि बार बार कह रहे हो कि मांग ले, ना कुछ देते हो ना कुछ लेते हो, मेरे पहले के दो वरदान हैं, मुझे तो उन्हीं की शंका हो रही है कि वो मुझे कब मिलेंगे। दशरथ जी कहने लगे कि हाँ हाँ तुम क्यों चिंता करती हो, अरे केकई तू मुझे ही झूठा बना रही है, दो वरदान की बात करती है, चार वरदान मांग ले। झूठे वमही दोष जन देहु, दुई के चारी मांगो मकुलेहु, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। देवी हमारे रघुकुल की ये रीत है कि जो राजा कह देता है फिर उसका वचन सत्य है, और तू है कि मुझे झूठा बना रही है, चार दो वरदान की बात करती है तो चार वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहती है, मांग। केकई माता ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध खाकर कहो कि मैंने तुझे वरदान दिया, राम की सौगंध खाकर कहो। तो दशरथ जी ने कहा कि इसमें सौगंध खाने वाली कौन सी बात है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मना कर दिया केकई माता ने कि नहीं, आप पहले राम की सौगंध खाइए, उसके बाद ही मैं कुछ मांगूंगी। तो हाथ में जल लिया और दशरथ जी ने संकल्प लिया, सौगंध खाई। मध्यस्थ मेरी बात का यह राज भवन है, साक्षी है यह
आकाश, यह पृथ्वी है, पवन है,